फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज एसी व्लॉग्स एंड रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं दगड़ी पोहे का चूड़ा, जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो आइए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो दगड़ी पोहा, चूड़ा मसाला, दाड़वा, पीनट्स, नारियल, काजू, लहसुन, रेड चिली पाउडर, करी लीव्स, ऑयल, ग्रीन चिलीज और सॉल्ट। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करके लिया है, जिसमें हम दगड़ी पोहा डालेंगे और इसे तल लेंगे। तेल हमें गर्म ही रखना है, अगर तेल ठंडा हो तो पोहा सिकुड़ जाता है, इसलिए हमें गरम तेल में ही इसे तलना है। दगड़ी पोहा का चूड़ा काफ़ी क्रिस्पी बनता है और इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है। ऐसी ही आसान दिवाली की और भी रेसिपीज देखने के लिए आई बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट ली है, जिसमें हम टिश्यू पेपर डालेंगे और उसके ऊपर तला हुआ पोहा डालेंगे। यहाँ पे मैंने सब पोहा तल दिया है, 500 ग्राम पोहा है। टिश्यू पेपर रखने से पोहा में लगा हुआ तेल टिश्यू पेपर पे लग जाता है, इसकी वजह से चूड़ा ज़्यादा ऑयली बनता नहीं। सेम कढ़ाई में अब हम पीनट्स फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो पीनट्स लिए हैं। सिंगदाने को हम मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे। सिंगदाना तलने में 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे। देखिए, सिंगदाना अच्छे तरह से तल चुका है। यहाँ पे मैंने 10-12 काजू लिए हैं, जिसको बीच में से कट किया है। इसे भी हम अब ऑयल में तल लेंगे। गोल्डन कलर के होने तक हमें इसे तल लेना है। यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज सूखा नारियल लिया है, जिसके छोटे छोटे स्लाइस किए हैं। इसे भी हम मीडियम गैस पे तल लेंगे। नारियल का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तल लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम में रखें, नहीं तो ये जल्दी से जल जाते हैं। देखिए, अच्छी तरह से नारियल तल चुका है। यहाँ पर मैंने करीबन 150 ग्राम फुटाना दाल यानी कि दालवा लिया है। इसे भी हम तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एसी व्लॉग्स एंड रेसिपी के नाम से। देखिए, फुटाना अच्छी तरह से तल चुका है। अब हम करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता भी फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि कड़ी पत्ता से अच्छा स्वाद आता है। कड़ी पत्ता क्रिस्पी होने तक हम इसे तल लेंगे। शाय, 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 शाय।
यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिए है, जिसके छोटे टुकड़े करके उसे बीच में से कट कर दिया है, और 7-8 लहसुन की कलियाँ ली है छिलके के साथ, और इसे भी मैंने बीच में कट करके लिया है। इसे अब हम क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन हमें अच्छी तरह से तल लेना है। क्रिस्पी होने तक हम इसे 3 से 4 मिनट तक तल लेंगे। के नीचे रखा हुआ टिश्यू पेपर मैंने निकाल लिया है। देखिए कितना ऑयल लगा है। यहाँ पे छोटे तड़के वाले पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके ले रही हूँ। इसे हमें गरम करके ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अब यहाँ पे मैंने बड़ा सा पतीला लिया है, जिसमें हम फ्राई किए हुए पोहा डालेंगे। इसमें अब मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून नमक। आप स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। वन टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, और हमने जो सब इंग्रेडिएंट्स तल लिए थे वो भी ऐड करेंगे। टिश्यू पेपर प्लेट में रखने से सारा ऑयल टिश्यू पेपर में लग जाता है और चिवड़ा ज़्यादा ऑयली नहीं बनता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी करीबन 2 टेबलस्पून चिवड़ा मसाला। इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गरम किया हुआ तेल भी ऐड करेंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दगड़ी पोहे का चूड़ा काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनता है, और 500 ग्राम पोहा में देखिए कितना सारा चूड़ा बनके तैयार है। हमारा चूड़ा रेडी है। इस दिवाली ये चिवड़ा की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।